नमस्कार दोस्तों, उज्जवल टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मेरे पास आया हुआ है एमआई का पावर बैंक 10,000 mAh का। तो काफ़ी स्लिम है, काफ़ी बढ़िया भी बैकअप देता है इसका, ठीक है। तो दोस्तों, आज इसको ओपन करेंगे। इसमें चार्जिंग पिन टूटा हुआ है, ठीक है। और इसको ओपन करके बहुत सारा जो भी किट में बीमारी सारा आता है, तो उसके बारे में डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहिए। तो इसको ओपन करना है। तो होता क्या है दोस्तों, कि बहुत सारे भाई लोग क्या होता है कि जो है जब ओपन करते हैं तो उस समय में कुछ गलती कर बैठते हैं, ठीक है। तो देखिए, होता क्या है कि सबसे पहले जो ओपन जो होता है तो इधर से पुश होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इधर से पुश होता है, ठीक है। होता है कि खोलने में दिक्कत होता है तो लोग ठोकता है, ठीक है। अब बहुत को होता है कि इधर से नहीं तो इधर से ठोकता है। इधर से आपकी किट है, इधर से गलती से भी नहीं ठोकना चाहिए, क्योंकि किट वगैरह है तो कुछ भी थोड़ा भी चोट लग जाएगा तो बीमारी आ जाएगा, ठीक है। और किट आपका ओरिजिनल मिलेगा भी नहीं जल्दी फिर, ठीक है। तो पहले इसको ओपन करते हैं, उसके बाद फुल डिटेल इसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा बीमारी आता है, कहाँ से बीमारी आता है। तो देखिए दोस्तों, ये पहले रिपेयर किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ना नट रहता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है जब खोलिएगा तो इसमें नट रहता है, तो नट को जो यहाँ पे ठीक है, तो नट को खोलना पड़ता है, ठीक। उसके बाद देखिए, मैंने जो है यहाँ से जो है एक देखिए दोस्तों, मैंने खोल दिया है। और उसके बाद इधर से भी जो है खोलना पड़ता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, इधर तो खोल दिए हैं। अब ये जो है डायरेक्ट पुश कीजिएगा इधर से, तो आगे फेंकेगा ये, ठीक है। ये ओपन बाहर से होगा, तो होता है कि जल्दी नहीं निकलता है तो इधर से थोड़ा ठोकना ही पड़ता है कभी कभी। तो दोस्तों, ऐसे निकल नहीं रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है हल्का ठोकना पड़ेगा। तो देखिए, ये रहा प्लस, ठीक है। और इससे जो हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा ठोकना है। देखिए दोस्तों, ये निकल गया है, ठीक है। तो दोस्तों, इसको थोड़ा सा ठेलते हैं इधर से। तो देखिए दोस्तों, तो निकल गया। तो देखिए दोस्तों, ये काफ़ी स्लिम भी है। तो दोस्तों, ये किट बाहर आ गया है। तो देखिए दोस्तों, किट में जो है इसमें यहाँ प्लस माइनस है, ठीक है। तो ओपन करते हैं इसको, किट को बाहर। तो पहले समझ लीजिए कि ये आपका दो वायर है, ठीक है। तो ये दो वायर क्या है, NTC और ये ग्राउंड है, ठीक है। तो ये क्या है कि NTC, इसके अंदर जो है, इस तार के अंदर ये बैटरी हीट सेंसर जो है, हीट सेंसर जो होता है वो लगा हुआ है, ठीक है। ताकि ज़्यादा बैटरी हीट होगा तो किट को जो है कमांड मिलेगा, तो किट अपना मैनेज करेगा हीट को, ठीक है। इसके कारण जो है बैटरी का सेफ्टी जो है बरकरार रहता है, ठीक है। और इसमें एक और बीमारी क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि बैटरी जो है, जैसे चार्ज में लगाएं USB से, ठीक है, चार्ज में लगाते हैं, कुछ देर के बाद जो है चार्ज छोड़ देता है, ठीक है। फिर खोल के लगाएं, फिर चार्ज हो रहा है, फिर कुछ देर के बाद छोड़ देता है। तो क्या होता है कि इसका जो कहीं से लाइन मिस रहता है, ठीक है, तब जो है वैसा बीमारी आता है। लोग जो है USB कनेक्टर चेंज कर देते हैं कि हाँ USB में खराबी है, ये वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात क्या है कि ये सारा जानती ही हैं कि कौन क्या है नहीं है, ये सब, ये जो है फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है, ताकि किट में शॉर्ट सर्किट लगेगा तो ये फ्यूज जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। 800 है, ये भी 800 है, ठीक है। तो अगर कभी किट में शॉर्टिंग वगैरह प्रॉब्लम होगा तो ये खुद ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, इसको पहले किट को बाहर करते हैं, ठीक है। तो पहले ये दोनों का सोल्डिंग जो है, NTC और ग्राउंड का सोल्डिंग को हटा देते हैं, ठीक है।
दोस्तों मैंने हटा दिया। तो दोस्तों किट बाहर जो है इधर से ही आएगा, ठीक है। देखिए इधर से जो हल्का हल्का पुश कर, देखिए ये दो लॉक है, एक ये लॉक है और एक ये लॉक है, ठीक है। ये लॉक से देखिए दोस्तों ये किट जो है बाहर आ गया। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, देखिए ये बैटरी का जो है ये प्लस हो गया, एक माइनस हो गया। देखिए दिया हुआ ये प्लस ये माइनस है, ठीक है। तो बैटरी का चार्जिंग पिन चेंज करेंगे तो जान रहे हैं कि चार्जिंग पिन प्लस माइनस कौन होता है, ठीक है। ये प्लस होता है, ये पॉइंट, ये माइनस होता है। तो आप इजी वे में लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें जो है इसके अंदर दो आईसी भी लगा हुआ है, देखिए एक फर्स्ट है एक ये सेकंड है, ठीक है। तो ये दोनों जो है माइक्रो कंट्रोल आईसी है, ठीक है, P03Q7WV, और भी जो है एक और कोई आईसी है जो कि नाम पता नहीं चल रहा है, छोटा अक्षर में दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों अगर पावर बैंक में अगर किट में ऐसा कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो ज़रूर कमेंट करें, जहाँ तक होगा हम ज़रूर बता देंगे। और तो दोस्तों इसका चार्जिंग पिन चेंज करना है, तो ऐसे तो हो जाएगा, लग जाएगा, बट अच्छा से नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है इसका जो है प्लस माइनस का जो बैटरी का लगा हुआ है तो इसको खोलना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको खोलने से पहले जो है, तो दोस्तों देखिए इसमें जो है इसको खोलने से क्या पहले क्या है कि पेस्ट को जो है सोल्डर को अच्छा से ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें रखे रहेंगे, ठीक है, खुद से पिघल के जो है हट जाएगा। ऐसे कीजिएगा ज़बरदस्ती तो फिर जो है अंदर से जो है किट का ट्रैक जो है वो सही तो उखड़ जाएगा, ठीक है। तो कुछ टाइम लगता है इसको उखाड़ने में, तो कुछ देर रखना पड़ेगा फिर उखड़ेगा ये, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं पॉज कर दिया था, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैंने जो है चार्जिंग पिन लगा दिया है इसका, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह का वीडियो जो है मैं लाते रहता हूँ। और कोई भी दिक्कत हो पावर बैंक, कोई भी पावर बैंक में, तो हमें ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। मैं ज़रूर आपका समस्या का समाधान करूँगा। थैंक यू।